चलिए बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं एक स्पेशल ट्रिक। थोड़ा सा ध्यान देंगे भाई, ट्रिक है मैथ की। जिसमें मैं आज आपको पढ़ाऊंगा सम ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का योग। वो कैसे भाई? वैसे तो आमतौर पे हम सभी लोग जानते हैं, जैसे कि मैं आपके सामने एक संख्या लिख रहा हूं, अगर हम इसका सम करना चाहें यानी कि योग करना चाहें, तो हम लोग आमतौर पर जानते हैं क्या करते हैं भैया, n n plus 1 upon 2 ऐसा ही करते हैं, ठीक है। जहां n का मतलब होता है टोटल नंबर, क्या होता है टोटल नंबर। तो मेरे भाई टोटल नंबर कितने हैं? 10। कितने हैं? 10 है, हाँ। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 into कितना हो जाएगा भैया, 11 upon 2। तो यहां से ये करेंगे तो कितना आएगा, 55। कितना आ रहा है भाई, 55 आ रहा है। बात क्लियर हुई? अच्छा, एक और करके देखते हैं आगे। ओके, अब यहां क्या करें, थोड़ा ध्यान से समझेंगे भैया। कितना लास्ट संख्या 20, तो n की वैल्यू कितनी हो गई भी, 20 इंटू 21 अपॉन 2। यहां से इसको कट कर देंगे तो 10 आ जाएगा, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा भैया, 210 है ना। तो हम क्या यहां पर क्या लिख देंगे, 210 बिल्कुल नहीं देखेंगे, वरना गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां मैंने n की वैल्यू 20 रखी है, तो भैया ये 11 से 20 तक का योग नहीं है, ये तो 1 से लेके 20 तक का योग आया है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो यहां आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो 11 से लेके 20 तक का योग चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 से लेके 10 तक का योग इसमें से घटा देंगे, क्योंकि ये टोटल योग जो निकला है वो 1 से 20 तक का निकला है। तो अगर हम 1 से लेके 10 तक का योग घटा देंगे कितना, 55। कितना, 55। अगर हम यहां से 55 घटा दें तो कितना बचेगा भैया, कितना आएगा, 155। समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए? तो भैया 11 से लेकर 20 तक का योग कितना हो जाएगा, 155। अरे क्लियर बात है कि नहीं? इसी तरीके से आगे और चलेंगे हम। कैसे देखेंगे, 21 से ओके फाइन, फिर भी हम क्या करेंगे भैया, एन की वैल्यू रखेंगे 30, और 30 इंटू 31 अपॉन 2, तो ये यहां से जो योग निकलेगा वो भी आपको पता है 1 से 30 तक का निकलेगा। इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 1 से लेके 20 तक का योग निकालना पड़ेगा, फिर वो यहां घटाना पड़ेगा, उसके बाद इसका आंसर आएगा। तो आपको नहीं लग रहा इस प्रोसेस में टाइम ज्यादा लगने वाला है, ऐसा लग रहा है ना? ठीक है, तो भैया क्या हमारे पास इतना टाइम होता है? बिल्कुल नहीं होता है। जब ये सम ऑफ नेचुरल नंबर हम कर रहे हैं और ये काउंटिंग सीधी सीधी लिखी हुई है, तो भैया ऐसे क्वेश्चन करने की एक डायरेक्ट ट्रिक भी होती है, सुनना चाहोगे आप लोग? चलिए बताता हूं ट्रिक, देखेंगे ध्यान देंगे। 30 हो गया, 31, 32 इस तरीके से कंप्लीट चढ़ेंगे, 35 करते हुए कहां तक आ जाएंगे, 40 तक, है ना। इसी तरीके से हम 41, 42, 43, 45 करते हुए कहां तक आ जाएंगे, हम 50 तक। यहां पर योग इसका लिखेंगे, इधर 51, 52, 55 करते हुए कहां आ जाएंगे भैया, 60 तक। इसी तरीके से हमें सारे करने हैं, ठीक है। जरा ध्यान देंगे, पहले इतने बता देता हूं, फिर आगे भी बता दूंगा। आगे देखेंगे, जरा क्या देखेंगे, पहले दिन एक बार लिख लेता हूं मैं पहले, तो
है ना। बाकी इधर लिख देता हूं मैं, उधर स्पेस नहीं है तो इधर समझेंगे भैया डायरेक्ट कैसे। मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही कॉमन सी बात है, आप बहुत आसानी से समझ लेंगे इस चीज को, बहुत ही आसानी से देखेंगे कैसे। अभी आपको मैंने वाई फॉर्मूला जो मैथ में यूज होता है सम ऑफ नेचुरल नंबर का एन एन प्लस वन अपॉन टू से किया था, लेकिन अब भाई जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं बाई ट्रिक। ट्रिक कैसे फॉलो होगी थोड़ा सा ध्यान देंगे भाई, इधर कैसे होगी देखिए, एक से लेके दस तक का वियोग निकाले, ध्यान देंगे भैया ये कितना लिखा हुआ है फाइव, कितना लिखा हुआ है फाइव, यहां पर हम ये और कर देंगे बस आंसर आ गया। ये कितना लिखा है फिफ्टी, यहां पर हम ऐसे और कर देंगे बस आंसर आ गया। ये कितना लिखा है ट्वेंटी फाइव, यहां पर हम ऐसा और कर देंगे भैया आंसर आ गया, निकाल के देख लो। ऐसे ही यहां कर देंगे आंसर आ गया मेरे भाई, आंसर आ गया। यहां पर देखें, अरे क्या देख रहे हो, जादू नहीं है ये भाई, माइंड गेम है, माइंड गेम, आंसर आ गया प्यारे। यहां देखेंगे, यहां देखेंगे आंसर आ गया, यहां देखेंगे यहां देखेंगे और यहां भी देखेंगे, क्या हुआ कुछ समझ में आया भाई? अरे आ गया ना। ओके भाइयों, इस वीडियो में इतना ही, इससे आगे की ट्रिक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।